टेलीविजन एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। दलजीत कौर की दूसरी शादी में कोहराम मचा हुआ है। दलजीत लगातार सोशल मीडिया पर अपने दूसरे पति निखिल पटेल पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगा रही हैं। वहीं निखिल पटेल ने भी दलजीत संग अपनी शादी के खत्म होने पर बात पर मोहर लगा दी है। दलजीत लगातार सोशल मीडिया पर निखिल से जुड़ी चीजें शेयर कर रही हैं और इन पर इल्जाम भी लगा रही हैं। ऐसे में अब पहली बार एक्ट्रेस के आरोपों पर निखिल पटेल ने चुप्पी तोड़ी, साथ ही उन्हें लीगल नोटिस भी भेज दिया। दलजीत कौर लगातार दूसरे पति निखिल पटेल पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। निखिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा वो कई पोस्टर शेयर कर रही हैं और बीते दिन तो उन्होंने अपनी और निखिल की शादी का एक वीडियो भी पोस्ट किया। अब निखिल पटेल ने ई टाइम से खास बातचीत में कहा कि अगर दलजीत अपनी गैर कानूनी हरकतों को आगे जारी रखती है तो वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उनकी लीगल टीम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, दुनिया में एक आदमी के तौर पर ये काफी परेशान करने वाला है कि भारत और ग्लोबल ऑनलाइन प्रोटेक्शन लॉ में कमी की वजह से अक्सर वो लोग इसका फायदा उठाते हैं जो सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए कुछ भी पोस्ट करने के लिए कतराते नहीं है। उनके इस तरह कुछ भी पोस्ट करने से सबसे ज्यादा औरतें और मासूम बच्चों की इमेज खतरे में आती है। बिना परमिशन के किसी की भी फोटो और वीडियो शेयर करना, खासकर बच्चों के मामले में जिन्हें हमेशा कानून की सेफ्टी की जरूरत होती है, ये गैर कानूनी और लापरवाही वाली बात है। निखिल ने इसके साथ ही यह भी बताया कि उनकी लीगल टीम दलजीत कौर से कहा है कि वो जून में उनके केन्या वाले घर से अपना बचा हुआ सारा सामान लेकर आए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके सामान को केन्या में किसी चैरिटी को दान कर दिया जाएगा। बता दें कि निखिल पटेल का इशारा दलजीत की उस पोस्ट पर है जो उन्होंने डिलीट कर दी है। दलजीत ने निखिल और अपनी शादी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसे बाद में हटा दिया। उस क्लिप में निखिल और दलजीत के बेटा और बेटी भी नजर आ रहे थे।